नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम देखने वाले हैं उत्तराखंड में जो लेटेस्ट जो वैकेंसी, जो कि संविदा के आधार पे ये वैकेंसी यहाँ पे विज्ञप्ति जारी हुई है। सो यहाँ पे देखिए, जनपद स्तर पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र रुद्रप्रयाग की संचालन का कार्य भारतीय रेड क्रॉस समिति रुद्रप्रयाग को दिया गया है। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के संचालन हेतु भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार अस्थायी तौर पर नियत मानदेय या संविदा के आधार पर कार्मिकों की तैनाती की जानी है। तो यहाँ पे जो है, इच्छुक जो है आवेदनकर्ता को अपने आवेदन योग्यता अनुसार संपूर्ण प्रमाण पत्रों को सेल्फ अटेस्टेड करते हुए एक लिफाफे, जिसमें लिफाफे के बाहर जिस पद के लिए आवेदन किया जा रहा है इसका उल्लेख करते हुए दिनांक 11 जुलाई 2023 को शाम 5 बजे तक जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय रुद्रप्रयाग में जमा कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों पर दिनांक 12 जुलाई 2023 को समय प्रातः 11 बजे से इस कार्यालय के पत्र संख्या दिनांक 23 जून 2023 के द्वारा उपाध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस समिति रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा इंटरव्यू के माध्यम से उक्त पदों पर चयन प्रक्रिया संपादित की जाएगी। किसी एक पद अथवा समस्त पदों पर विज्ञप्ति निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी या अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस समिति रुद्रप्रयाग का होगा। तो ये जो पद निकले हैं वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर इनमें सिलेक्शंस होना है। अब सीधे हम पद यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका जो है यहाँ पे देखिए, क्लिनिकल मनोचिकित्सक है या पुनर्वास मनोचिकित्सक या क्लिनिकल मनोचिकित्सक, इसमें आपके पास में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। क्लिनिकल मनोचिकित्सक में MPhil और क्लिनिकल मनोचिकित्सक में व्यावसायिक डिप्लोमा। पुनर्वास मनोचिकित्सक के लिए पुनर्वास मनोचिकित्सक में MPhil होना चाहिए और पुनर्वास मनोचिकित्सक में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ये होना चाहिए। एक पद है, मानदेय 24,600 रुपये है और प्रति दौरा अगर आप करते हैं तो 1,020 रुपये आपको एक दौरे का मिलता है। वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट के लिए BPT मांगा गया है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए यहाँ पे BOT यहाँ पे मांगा गया है। इसके दो पद हैं, जिसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट का है, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का है। इसमें भी 24,600 है और 1,020 रुपये प्रति दौरा यहाँ पे आपको दिया जाएगा। सीनियर प्रोस्टेस्टिस्ट या ऑर्थोटिस्ट है वह श्रेणी में, यहाँ पे किसी संस्थान से आपका BPO में स्नातक होना चाहिए। इसमें एक पद निकला है जिसमें कि 24,600 रुपये आपको प्रति माह वेतन दिया जाएगा, 1,020 रुपये एक दौरे का आपको दिया जाएगा। उसके बाद जो है प्रोस्टेस्टिस्ट या ऑर्थोटिस्ट टेक्नीशियंस है, जिसमें कि PNO में डिप्लोमा यहाँ पे या 3 साल का अनुभव के साथ PNO का प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगा गया है। एक पद है जिसमें 17,400 रुपये वेतन यहाँ पे दिया जाएगा। अगला पद है ऑडियोलॉजिस्ट और सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट, जिसमें कि जो है आपके पास में BSc जो है स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी या ऑडियोलॉजी या BSc स्पीच एंड हियरिंग जो है आपके पास में इसका जो है डिग्री होना चाहिए। एक पद है जिसमें 24,600 रुपये वेतन दिया जाएगा और 1,020 रुपये प्रति दौरा यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अगला पद श्रवण सहायक या जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट का है, जिसमें कि यहाँ पे जो है श्रवण यंत्रों की जानकारी होनी चाहिए, मरम्मत या कर्ण मूल बनाने के साथ वाक एवं श्रवण में डिप्लोमा होना चाहिए, स्पीच एंड हियरिंग टेक्नीशियन होना चाहिए, ठीक है, जो हियरिंग लैंग्वेज और स्पीच में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर जो है हियरिंग एंड रिपेटर रिपेयर एंड ईयर मोल्ड जो प्रौद्योगिकी है उसमें डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। एक पद है 17,400 रुपये यहाँ पे वेतन आपको दिया जाएगा। गतिशीलता प्रशिक्षक है, इसमें देखिए पात्रता जो है गतिशीलता में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा डिजायरेबल क्या रहेगा, गतिशीलता विज्ञान में स्नातक या दृष्टिबाधिता में DED या विशेष शिक्षा या BED स्पेशल एजुकेशन, इसमें भी 17,400 रुपये वेतन और एक पद यहाँ पे निकला है। बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ता है, जिसमें कि आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट या समुदाय आधारित समावेशी विकास या MRW में डिप्लोमा होना चाहिए, इसका भी एक पद यहाँ पे निकला है, जिसमें कि
17,400 रुपये वेतन दिया जाएगा। उसके बाद लेखाकार है सहलिपिक सह भंडारी, जिसमें कि बीकॉम या मैं बीकॉम मांगा गया है, 2 साल का अनुभव मांगा गया है। एक पद है 17,400। सहायक सह चपरासी सह संदेश वाहक, यहाँ पे जो है 8वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। एक पद है 11,400 रुपये। और व्यावसायिक परामर्शदाता सह कंप्यूटर सहायक, इसमें देखिए पात्रता जो है व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा, बाल विकास मार्गदर्शन और परामर्श में एडवांस डिप्लोमा या पुनर्वास विज्ञान में स्नातक, इसमें भी एक पद है 17,400 रुपये वेतन यहाँ पे दिया जाएगा। प्रारंभिक उपचार थेरेपिस्ट है, जिसमें कि PGDDD या PGDIR, BMR, BRRC, BRT, MRC, MR, MSCEI यहाँ पे जो है योग्यता मांगी गई। एक पद है 17,400 रुपये यहाँ पे सैलरी मांगी गई है। ट्रांस डिसप्लिनरी विशेष शिक्षक है, दो दो पद यहाँ पे निकले हैं, इसमें 17,400 रुपये सैलरी है। कीयर गियर है, जिसमें कि जो है 8वीं पास जो है यहाँ पे मांगा गया है। एक पद है 7,500 रुपये यहाँ पे वेतन आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इन्होंने जो है एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया है, इसी को आप प्रिंट आउट निकालना है और इसी को आप भरेंगे। ठीक है, और जब आप भरेंगे तो इसमें जो है एप्लीकेशन जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें साफ साफ जो लिफाफा होगा उसके बाहर से जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको उस पद का नाम यहाँ पे लिखना होगा। लास्ट डेट कितनी है, लास्ट डेट है 11 जुलाई 2023। ठीक है, 11 जुलाई 2023 को लास्ट डेट है और 12 जुलाई को यहाँ पे इंटरव्यू आपका शुरू हो जाएगा।